कि ऑब्जेक्ट्स का जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर तो अभी हम आया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या भला है। अच्छा, तो यहाँ पे ये अगेन बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना क्या भला है। अब देखिए, इन्होंने बहुत सारे इस तरह वेरिएबल बनाए हैं, और बहुत सारे वेरिएबल बनाने के बाद इन्होंने क्या बोला कि जी अगर हम इस तरह अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे ना तो बहुत मैस हो जाता है, होना ये चाहिए कि कलेक्टिव डेटा टाइप हो हमारी। ठीक है, देखें जी, इसको गौर से समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज ना ये मसला होगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा गौर से समझना पड़ता है इस चीज़ को, उसका रीज़न अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों। अच्छा देखिए, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये जो तीन डेटा टाइप है, ये एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें सिंगल सिंगल वैल्यू होती है। अच्छा, फिर आपके पास एरे है जो वो कलेक्टिव डेटा टाइप है, सही है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम, मैंने जो पहली लैंग्वेज सीखी थी ज़िंदगी में वो सी लैंग्वेज थी, तो सी लैंग्वेज जो वो थोड़ी, उसको लो लेवल कंसिडर किया जाता है। तो लो लेवल पे अगर देखा जाए ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल कलेक्टिव हो नहीं सकता सही मानों में, क्योंकि हमने इस क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था कि हाउ वेरिएबल गेट सेव्ड इन रैम मेमोरी, है ना। जब हम वेरिएबल बनाते हैं जब हम, तो वो रैम में जाके सेव होता कैसे, वो हमने इस क्लास में बात डिस्कस की थी। अगर किसी ने वो मिस कर दी ये चीज़, तो वो उसकी वीडियो लगी हुई है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप दोबारा देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि रैम के अंदर मिसाल के तौर पर 64 बिट का अगर हमारा नंबर का वेरिएबल होता है, तो वो रैम में 64 बिट की जगह लेता है। अच्छा, दो नंबर होंगे तो वो 64 64 बिट दो दफ़ा करके लेंगे जगह, ठीक है। अच्छा, तीन होंगे तो तीन दफ़ा करके लेंगे। तो मैं अलग अलग वेरिएबल बनाऊं या मैं एरे में तीन इंडेक्सेस कर दूं, बात एक ही है, है ना, बात एक ही है। तो हमें इससे पता ये चला कि एरे जो है वो असल में वो कंस्ट्रक्ट है, एरे जो है वो असल में कंस्ट्रक्ट है। रैम मेमोरी के अंदर तीन अलग अलग वेरिएबल हो या एरे हो, रैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जगह सेम लेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं प्लान वन जो इन्होंने बनाया, और एक वेरिएबल बनाऊं मैं प्राइस, और एक वेरिएबल बनाऊं मैं स्पेस, अभी तीन ही रखते हैं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बना दिया। ये पूरा एक पैकेज है, ये फर्स्ट पैकेज है, ये सेकंड पैकेज है, और ये थर्ड पैकेज है। आप इसको समझ लें मोबाइल के पैकेज हैं। अब मोबाइल के पैकेज है, उसका नाम है बेसिक, उसमें आपको मिलते हैं 3 GB इंटरनेट, 100 मिनट और 1000 MB डेटा मिलता है आपको व्हाट्सएप का, सही है। और आप समझ लें 10 आपके एक्सटर्नल जो आउट अदर नेटवर्क मिनट है, इसको ऐसे समझ लें। अब ये जो ऐसे करके बना हुआ है ना, अब ये अलग अलग वेरिएबल में बना हुआ हो या ऑब्जेक्ट की सूरत में, ऑब्जेक्ट तो हमने देखा हुआ है ना, थोड़ा बहुत देख लिया ऑब्जेक्ट हमने, तो वो एग्जैक्टली मुझे वो ब्रैकेट बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चलो दिखा भी देता हूँ, यहीं पे नीचे इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ इसको या अलग अलग वेरिएबल में बनाऊँ, तो इट डजेंट मैटर, वो रैम मेमोरी में जाके वो उसी तरह रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है रैम में, स्पेस ऑक्यूपाई उतना ही करेगा ये, चाहे मैं अलग अलग वेरिएबल बनाऊँ चाहे मैं ऐसे करके बनाऊँ। अब क्या ऐसी वजह है कि मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, कौन मुझे ये बताएगा कि क्या ऐसी वजह है, ठीक है। क्यों ये बात मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैसेज किया था ग्रुप में कि ये वाला चैप्टर सब लोग पढ़ कराएंगे। अब कौन मुझे बताएगा कि ये ऐसे करके मैं क्यों बना रहा हूँ, भाई इसने बुक में ऊपर बताया ना अलग अलग वेरिएबल और ऐसे करके अलग बना रहा है, कह रहे यार ऐसे बनाओ, तो कोई तो रीज़न बताया होगा ना इसको। कंसिस्टेंसी किस चीज़ की, सवाल समझ रहे हो ना मेरा, भाई बुक में पहले इसने बोला ना कि ये अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं हम, फिर इसने बोला नहीं यार अब ऑब्जेक्ट का जो चैप्टर है ना, तो ऑब्जेक्ट तो इस तरह बनते हैं, तो इसने कोई तो रीज़न बताया होगा ना कि जी वैसे छोड़ के आप ऐसे बनाओ तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा मुझे कौन बताएगा कि बुक में क्या बताया, बात क्या हुई है बुक में, इन्होंने क्या रीज़न बताया कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है। जी नहीं, इसमें इंडेक्स के ज़रिए तो नहीं होता, वो तो एरे में होता है ना इंडेक्स के ज़रिए, तो जी नहीं एक ही वेरिएबल में तो हो जाएंगी, लेकिन रैम में जगह तो फिर भी उतनी ही ले रहा है वो, मतलब एक वेरिएबल में होने से फ़ायदा क्या होगा,
डॉट के ज़रिए से कॉल करा सकते हैं, और कोई रिलेटेड चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन उससे होगा क्या फ़ायदा? आसानी, किसी किस्म की आसानी क्रिएट करेगा वो, मतलब एक्सेस करने में आसानी होगी, ये आपने बताया, दोस्त ने भी यही कहा कि डॉट करके एक्सेसिबल हो जाता है वो। तो मोर और लेस सब लोग तकरीबन सेम बात कर रहे हैं कि जी वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, यानी एक वेरिएबल में आने का मतलब है कि वो मेरे कोड में वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, रैम में तो चलो जो भी है वो एक अलग चीज़ है। मोर और लेस तमाम लोगों का जो जवाब आया वो सेम आया है कि जी वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, डॉट करके आसानी से एक्सेस होगा और आसानी से उसको रीड और राइट किया जा सकेगा, सही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ, ये तो बुक में जो लिखा हुआ था वो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया, इसका मतलब है बुक आप लोग पढ़कर आए हैं थोड़ी बहुत। रीयूजेबल हो सकता है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यार इसको ना बिल्कुल आप और से समझेंगे तो ये आपको बात समझ आएगी कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। यार बच्चों बिल्कुल खामोशी से गौर से मेरी बात सुनो, अदरवाइज़ फिर मैं भी भूल जाऊंगा मैं क्या बताने लगूँ, सही है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अच्छा, प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो होता है वो क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कोड को लिखने का अंदाज, ठीक है। अच्छा, एक पैराडाइम होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक पैराडाइम होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक और प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है प्रोसीजरल, एक होता है इम्पेरेटिव, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो सपोर्टेड है? सारे सपोर्टेड हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ES6 में सारे। जावास्क्रिप्ट इज़ अ मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट जो है वो मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसको मैं विकिपीडिया का पेज खोलूँगा ना तो उस पर यह बात मज़ीद डिटेल में पता चल जाएगी ना। जावास्क्रिप्ट विकिपीडिया, सही है, विकिपीडिया में थोड़ा सा इन्होंने मतलब टू दी पॉइंट बात लिखी होती है ना, तो आप यहाँ पे देखें जी इन्होंने क्या बात लिखी है कि जी जावास्क्रिप्ट के जो पैराडाइम्स है ना वो क्या है? एक तो ये मल्टी पैराडाइम है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है। हमने इवेंट्स के सारे चैप्टर पढ़े हैं, हमने देखा है कि जी प्रोग्राम को लिखने का एक अंदाज होता है कि जी फला इवेंट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये काम करा दो, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, ठीक है जी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो क्या है जी? फंक्शन बना के काम होगा कि जी बटन पे क्लिक करें तो फंक्शन चल जाए, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई मैसेज आए तो ये फंक्शन चल जाए, अगर हम इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करें, अपने एक्सियोस से हम लोगों ने इंटरनेट पर रिक्वेस्ट की है इस क्लास में, तो जी एक्सियोस से जब हम गेट की रिक्वेस्ट करें किसी सर्वर पे, तो उसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो मैं पहले ही बता दूँ कि जी ये फंक्शन चलाना। हर चीज़ फंक्शन करके होती है, फंक्शन बना के होती है। एक है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव ये होता है जी कि जो ना हर लाइन आपका जो है ना एक सेमी कॉलन पे ख़त्म होगी और इंस्ट्रक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी, है ना जी। जो लाइन बाय लाइन जो कोड होता है, ये लाइन बाय लाइन कोड ना इस इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, वरना कुछ लैंग्वेजेज ऐसी भी हैं जिसमें लाइन बाय लाइन कोड नहीं होता, कुछ लैंग्वेजेज ऐसी भी हैं जिसमें हमने, क्योंकि वो आँख खोला ही सी लैंग्वेज के बाद है ना, हम सब लोगों ने सी लैंग्वेज के बाद आँख खोला है। सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहलाती है, तो जब सी लैंग्वेज आई थी तो उसमें इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम था, पहले से था। अच्छा, उसके बाद ऑनवर्ड्स जितनी भी लैंग्वेजेस आई वो इम्पेरेटिव, तो उसको किसी ने छेड़ा नहीं उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, वो वैसे ही है। तो हमें लगता है कि अच्छा जी, अब जैसे देखें जावास्क्रिप्ट में ना लाइन के आखिर में सेमी कॉलन ऑप्शनल है कि लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगा दो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये किसने बोला कि लगा दो तो ठीक है? ये बोला है इम्पेरेटिव वालों ने कि जी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है ना, ये कोड को लिखने का एक अंदाज़ है जिसमें आप क्या करते हैं, हर लाइन को आप लाइन टर्मिनेटर से ख़त्म करते हैं, लाइन टर्मिनेटर कहते हैं उसको, या सेमी कॉलन से आप ख़त्म करते हैं, या आज ये लाइन ख़त्म हो गई। एक जो लाइन होगी ना वो इट्सेल्फ पूरी एक इंस्ट्रक्शन होगी, एक स्टेटमेंट होगी। ये एक ही लाइन को लाइन ऑफ कोड भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको हम, तो वो एक स्टेटमेंट होगी पूरी कि जी इसमें ये काम कर दो। जैसे मैंने कहा कि लेट ए इक्वल्स टू फाइव,
कि भाई वेरिएबल बनाओ, उसका वेरिएबल का नाम होगा ए, उसमें डाल दो 5। ये पूरी एक स्टेटमेंट है। अब ये लाइन ख़त्म होगी, अगली लाइन पे एक दूसरी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन अलग अलग होगी, ये इंपेरेटिव ने मैं बताया। अच्छा, प्रोसीजरल होता है एक। अब प्रोसीजर, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, खुद से ये देख लेना। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं ऊप। अच्छा, अब चक्कर क्या हुआ, पेप्सी और कोक वाला चक्कर हो गया, एंड्रॉयड और आईफोन वाला चक्कर हो गया, फंक्शनल में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना, ये आई है बाद में, फंक्शनल प्रोग्रामिंग आई है पहले। मिसाल के तौर पे जो सी लैंग्वेज जब आई थी, जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं, तो सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की सपोर्ट नहीं थी और आज भी नहीं है, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने सी का एक वर्जन निकाला, जिसको हम सी प्लस प्लस कहते हैं, जो अभी चल रहा है हमारा C11 या पता नहीं C12, जो भी उसका वर्जन है आखिरी, मुझे नहीं पता क्या है। तो सी प्लस प्लस के अंदर ना उन्होंने कहा कि जी इसमें हम प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं? वो चीज़ें जो सी में नहीं थी, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट। अच्छा, जो पुराने अंकल हैं थोड़े, जो सी लैंग्वेज के ज़माने के प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई ये बिला वजह ना इन्होंने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रोला डाला है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ही सारे काम हो सकते थे। अच्छा, आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं कि अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग जितनी भी की है, वो सारी हमने की है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि जी बटन के क्लिक पर ये काम हो जाए, जब फला जगह क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए, जब माउस होवर हो तो ये फंक्शन चल जाए, जब माउस मूव हो तो ये फंक्शन चल जाए, है ना, जब माउस एंटर हो, माउस आउट हो, क्लिक हो, हम सारा हमने अभी तक जो की है ना, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की है। साथ में हमने इवेंट ड्रिवन भी की है थोड़ी, क्योंकि वो क्लिक वगैरह जो, वो सारे इवेंट्स हैं असल में, ऑन सबमिट, ये ऑन क्लिक और ऑन होवर, ये सारे इवेंट्स हैं। तो इवेंट ड्रिवन और प्लस फंक्शनल की है हमने, हमने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस क्लास में नहीं की है। अच्छा, तो ये जितने अंकल थे ना, इनमें से कुछ ने कहा कि यार ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत सही है, ये फंक्शन क्योंकि अलग अलग होते हैं, इसको टेस्ट करना आसान होता है, इसके टेस्ट केसेस लिखते हैं हम, और ये बिला वजह इसका ये ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हो तुम लोग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर एंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो डेवलप की गई है, यानी ये जो तरीका डेवलप किया गया है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, कि जी वो फला इस क्यों बनाया, ये मिसाल के तौर पर ये चेयर क्यों बनाई, चेयर इसलिए बनाई कि जी बैठ के काम करने में आसानी हो। अच्छा, ऐसे बैठना ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तो जी पता चला कि यार, अच्छा, साइंसदानों ने दिमाग लगा के जोड़ा कि जी ऐसे एंगल में ना आप 8 घंटे 10 घंटे बैठ सकते हैं, नीचे ज़मीन पे पलथी मार के आप 8 घंटे नहीं बैठ सकते, ठीक है, पोस्चर का चक्कर है। तो जी एक ख़ास पोस्चर में बैठने के लिए ये चेयर बनाई गई है, क्योंकि ये पोस्चर लंबे टाइम तक बिठा सकता है। अब ये टेबल की जो हाइट है ना, ये 30 इंच होती है, ये स्टैंडर्ड है। वो 30 इंच क्यों होती है? आपकी हाइट की वजह से, कि अगर बंदा 5.5-6 फिट का बंदा है तो 30 इंच की टेबल उसके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर किसी की हाइट लंबी है तो वो 30 को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन द फर्स्ट प्लेस किसने बनाया और क्यों बनाया? वो रीज़न ये था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है, ये किसकी वजह से बनाया गया? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कौन बंदा है? ये वो बंदा है जो रिक्वायरमेंट्स लेता है एक क्लाइंट, वैसे तो हमारे यहाँ लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो पता नहीं उन्होंने को प्रिंसिपल तो पता नहीं, आर्किटेक्ट तो पता नहीं क्या, VP डेवलपर और VP आर्किटेक्ट पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, वो ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वैसे जो है ना, एक ही मतलब जो ये डेजिग्नेशन होती है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो यानी अब उसमें आप 4-5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कहे मैं सीनियर हूँ, कोई कहे मैं जूनियर हूँ, अपने हिसाब से जो भी नाम रख ले, लेकिन वो इन जनरल ना ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो लोग होते हैं जो क्लाइंट से या जो भी कंपनी है या जिसने भी सॉफ्टवेयर बनवाना है उससे वो रिक्वायरमेंट गैदर करें, और रिक्वायरमेंट को गैदर करके ना उसको डॉक्यूमेंट करें, रिक्वायरमेंट गैदर करके उसका डॉक्यूमेंट तैयार करें, डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार करें कि जब वो डॉक्यूमेंट डेवलपर को मिले ना तो उसको दोबारा पलट के पूछना ना पड़े कि ये क्या लिखा हुआ है उसमें, फ्लो चार्ट्स और ये सारे वो जो केस स्टडीज़ और वो आपके जो टिकट्स वगैरह और जो टास्क पूरे असाइन हुए हुए हों। मिसाल के तौर पर 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों के अलग अलग टास्क बने हुए हों, है ना, यानी पूरा अगले जो 6 महीने का काम होने जा रहा है उस 6 महीने के काम में ना 10 लोगों के
सारे के सारे टास्क बने हुए हैं। अब उसको वो डिवाइड करता है छोटे छोटे टास्क में। अब एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पे बन रहा है तो उसके छोटे छोटे 3000 टास्क मिसाल के तौर पे वो बनाता है, ठीक है। अब वो शुरू में बना ले वो, या एक मतलब साथ साथ देता जाए, साथ साथ बनाता जाए। अब वो एक अलग है कि जी वो तो वाटरफॉल चल रहा है, पता नहीं वो 4-5 तरीके हैं अलग अलग, है ना। एक होता है वो आइट्रेशन चलती है कि जी थोड़ा बनाएगा फिर वो वापस जाएगा, तो उसके मतलब अलग अलग तरीके हैं कि वो ये कैसे वो काम करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन अल्टीमेटली काम उसका यही है कि जो क्लाइंट है या जो बंदा है जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उससे वो रिक्वायरमेंट गैदर करे, यूज़र स्टोरीज, सर्वेज, ये सारा काम उसका होता है कि जी वो सब करके ना ला के डिवेलपर को एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दे जिसको देख के ना डिवेलपर उसको बना दे, उसमें कलर, उसमें विर्थ हाइट से लेके फंक्शनैलिटी, उसकी उसका बिहेवियर, उसमें क्या फार्मूलाज लगेंगे। अब डेवलपर को तो नहीं पता ना यार कि जो भाई अब कोई इंडस्ट्रियल ऐप बन रही है, अब उसमें बॉयलर्स इतने सेंटीग्रेड पे जाके वो मतलब उसका मैक्सिमम मैक्स जो है और वो मिनिमम जो क्या उसको कहते हैं लोअर मिनिमम और अपर मैक्स, वो सब तो उसको थोड़ी पता है डेवलपर को। सब डॉक्यूमेंट में ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई हो। तो ये बंदा होता है जिसका मैंने आपसे इंट्रोडक्शन करवाया, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना उसका काम ना सिर्फ टास्क को डिवाइड करना होता है बल्कि उसका काम ये भी होता है साथ साथ अब कि जी वो जब वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसको टेस्ट करना या करवाना, यानी किसी और साथ में जो उसके डेवलपर होगा उनको टास्क असाइन करना कि भाई तू उसको चेक कर इसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, और आखिर में उसको कंपाइल करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर भी में की शक्ल देना और उसको डिलीवर करना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिम्मेदारियां हैं सारी, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एक बंदा नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इज़ अ टीम, जो ये टीम मिलके काम कर रही होती है, और डेवलपर्स जो है वो बंदा होता है जो कोडिंग कर रहा होता है। आमतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो क्या क्या होता है, वो कोडिंग नहीं कर रहा होता लेकिन सबसे मुश्किल काम करता वही है। सबसे मुश्किल काम ना करता सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। डेवलपर जस्ट कोडिंग लिखता है, कोडिंग लिखना निस्बतन आसान काम है। अगर आपको ये पूरा बना हुआ मिले ना तो कोडिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील, कोडिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जैसा कि मैंने एक दफ़ा और भी आपसे जिक्र किया था कि जी 80% जो काम है ना सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, 80-90% जो काम है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और डिस्कशन पे होता है। कोडिंग जो है शायद इसका 4-5% है, जो बाकी के 10% बचता है वो फिर फाइनेंशियल निगोसिएशन वगैरह और ये सर्वे और यूज़र स्टोरी और वो पता नहीं 1000 तरह की चीज़ें होती हैं। तो कोडिंग इसका बहुत छोटा पार्ट है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी शुरू होती यहीं से, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त में फल होता है, उसके अंदर बीज इतना सा होता है बिल्कुल, तो एक बहुत छोटा पार्ट है ना उस बीज का, लेकिन कहानी शुरू उस बीज से ही होती है जो इतना बड़ा दरख्त बनता है आखिर में जाके, ठीक है, और वो फिर फल देना शुरू करता है। तो आप सब लोग इस वक्त एक बीज हैं, वो जो 3-4% या 5% जो पार्ट है ना इस पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, कोडिंग का पार्ट 3-4% या 5% है, तो वो आप लोग अभी बन रहे हैं, लेकिन आप लोग ही फिर बड़ा दरख्त बनेंगे और फिर आप लोगों के पास वो 4-5% वाले जो सारे फल आप होंगे आपके पास। वेल, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ना कुछ मसले थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो मसले क्या थे कि जी फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ना अगर प्रोजेक्ट हो जाता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े से मतलब जैसे कि फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, अच्छा जिन लोगों ने यूज़ किया उनको आइडिया होगा कि ये वो कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। अच्छा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, देखने को तो एक स्क्रीन का सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है और वो इतने सालों से डेवलप हो रहा है। जैसे एडोब प्रीमियर, ऑटो कैड है, एडोब प्रीमियर है। अगर हम टोटली वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो सेल्स फोर्स है, और आपका जो ये गूगल ड्राइव है, ये गूगल का पूरा इकोसिस्टम है। जो जीमेल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जीमेल सिर्फ। या अगर हम बात करें ड्रॉप बॉक्स की, ड्रॉप बॉक्स निस्बतन छोटा सॉफ्टवेयर है लेकिन काफ़ी कुछ उसमें भी हो रहा है। और कोई बड़ा सॉफ्टवेयर मिसाल जहन में नहीं आ रही है अभी, जैसे फूड पांडा इटसेल्फ है, फूड पांडा की जो ऐप है दैट इज़ अ बिग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है, जब सॉफ्टवेयर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे विंडोज़ इटसेल्फ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर यार, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो जैसे लिनक्स का कर्नल है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, हज़ारों लाइन का कोड है। तो जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो जाता है ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ना इन चीज़ों को कीप ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, मॉड्यूलैरिटी को कीप ट्रैक करना कि जी किसको मैंने क्या मॉड्यूल दिया हुआ है, वो मॉड्यूल को सही कर रहा है नहीं कर रहा। फिर मिसाल के तौर पर किसी एक बंदे ने अगर गलती की है किसी एक मॉड्यूल में,
तो बाकी मॉड्यूल उससे अलग रहें, ज़ाहिर है वो बाकी मॉड्यूल पे असर अंदाज ना हो, इसको सेपरेटली टेस्ट किया जा सके। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ना इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त आती है जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे सॉफ्टवेयर में ये आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी अभी तक जो आपने कोड लिखा है उसमें तो आपको कोई पता नहीं है, तो बस सब कुछ तो सही है, ओके है। अभी तो ऐसा भी नहीं हुआ कि चार लोग मिलकर थोड़ी कर रहे हैं आप काम, अभी तो सब आप लोग अपना अपना कर रहे हैं अलग अलग। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने लिखा होगा तो 3-4 हज़ार लाइन का कोड लिख लिया होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी लिखा होगा। हाँ तो मतलब फिर भी 1-2 लाख लाइन ऑफ कोड तक ये इतना इशू नहीं करता, मतलब 1-2 लाख लाइन ऑफ कोड तक ये सही चलता है, अगर आप चलाने वाला बंदा हो और कंपनी हो और प्रॉपर SOPs के साथ वो चल रहा हो तो 1-2 लाख लाइन ऑफ कोड तक ये इशू नहीं करेगा। लेकिन वंस आप उससे जब इंक्रीज करते हैं ना तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू कर देता है। प्रॉब्लम्स फंक्शनैलिटी में नहीं, परफॉर्मेंस में नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मसला हो जाता है कि यार किसको मैंने क्या दिया था, इसको मैं कैसे टेस्ट करूं, एक ने मसला किया तो दूसरे के वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, उसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाता है। फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस वगैरह का कोई इशू नहीं है, समझ लो। ये तो यही वजह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो किसके परस्पेक्टिव से बनाया गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से। अच्छा जाहिर है जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से तो डेवलपर को अच्छा तो लगेगा नहीं, क्यों लगेगा भाई। अच्छा तो ये वो डेवलपर आम तौर पे जो आप देखेंगे ना वन मैन आर्मी है, तो वो इसको पसंद नहीं करते। वन बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जी पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ना अकेले ही बनाया है, ज़िंदगी पूरी लगा के ना अपनी 8-10 साल लगा के एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है। अच्छा और उसको वो बेच दिया 4-5 उस हॉस्पिटल ने जिसमें वो लगा हुआ है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं, ज़िंदगी में सुकून है, ना कभी कंपनी बनाने का सोचा, ना कभी कुछ, मतलब वो हर बंदे का एक अपना वो होता है। कुछ लोग चाहते हैं यार हम टीम प्लेयर बने, टीम के साथ मिलके करें और ग्रो करें और हम मल्टी मिलियन डॉलर और ये वो। कुछ बंदे बोलते हैं यार ज़िंदगी में मतलब 30-40 लाख महीने के आ रहे हो तो बस सही है, अभी इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और तो बंदे की सोच अलग अलग होती है। तो ऐसे मुंह खुल गया तुम्हारा नहीं, जब देखो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर किसी अमेरिका में किसी हॉस्पिटल ने लिया हुआ है तो महीने के $500-600 तो देगा ना वो, या वो भी नहीं देगा फिर तो अगर 10 हॉस्पिटलों ने ले लिया तो $500 मल्टीप्लाई बाय 10 $5,000 $5,000 पाकिस्तानी कितने बने, 15 लाख बन गए, ठीक है। तो 500 लेकिन मैं बहुत अनरियलिस्टिक फिगर बता रहा हूँ, वो तो फिर मेंटेनेंस के कॉस्ट होती है, फिर सारी कम से कम 2-4 लोगों की टीम तो बैठानी पड़ती है जो उसको सही कर रहे होते हैं। बस अब तो बंदे ने तो ज़िंदगी लगा ली ना, अब वो 2-4 लड़के बिठा के उसको कहता है यार इसको फिक्स करते रहो, हर फिक्स को लेकिन खुद मॉनिटर भी करता है कि जी एक लाइन ऑफ कोड भी ना मेरी नज़रों से बच के ना जाए, क्योंकि पता सब उसी को है, उसने अकेले ने जब बनाया ना तो अपने SOPs लगाए हैं सारे, उसने कोई रूल फॉलो नहीं किया, मतलब जो स्टैंडर्ड दुनिया में फॉलो किया था ना वो सब थोड़ी करेगा वो, वो कहेगा यार मेरा रूल है, मेरा सॉफ्टवेयर है। और हर बंदे की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप जब बहुत ज़्यादा खपती डेवलपर बन जाते हैं ना जब आप, तो आपकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी जावास्क्रिप्ट में ना वेरिएबल और फला वेरिएबल इस तरह से अंदर जाके ऐसे ट्रीट कर रहा होता है, तो वो बहुत लो लेवल तक जब आप मतलब आपको पता चल जाता है ना चीज़ों का, तो फिर आप वो जनरल रूल्स आपके लिए थोड़े इनवैलिड हो जाते हैं समटाइम। तो बहरहाल तो ये हमें पता चल गया जी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या भला है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला जो आप कह लें कि जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उन्होंने बोला जी कि ये डेटा टाइप जो होगा ना वो ये नंबर और ये स्ट्रिंग और ये एरे ये नहीं होगा। डेटा टाइप आपको भाई बताएंगे खुद कि डेटा टाइप कैसा होगा और क्या होगा, डेटा टाइप को आपको भाई बताएंगे कि कैसा होगा। अच्छा यानी हर सॉफ्टवेयर के अंदर, भाई मैं एक बना रहा हूँ एजुकेशन का एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अब उसमें वेरिएबल वही नंबर है वही एरे है, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बोला भाई वेरिएबल जो है ना वो होगा मेरी मर्ज़ी का, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा वेरिएबल। अच्छा बनेगा नेटिव डेटा टाइप से ही मिलके बनेगा। अच्छा नेटिव डेटा टाइप कौन सी है, नंबर बूलियन स्ट्रिंग और कौन सी है, और भी है कोई, हाँ नहीं कैरेक्टर नहीं, वो तो स्ट्रिंग का पार्ट है ना। इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम केस में बात करें तो कैरेक्टर अलग नहीं होता, हाँ लेकिन सही कह रहे हो कुछ लैंग्वेजेस में कैरेक्टर अलग होता है। तो ये 3 डेटा टाइप से ही वो मिलके बनेगा,
लेकिन वो होगा मेरा कस्टम डेटा टाइप। और अच्छा, अब यहाँ हो गई गड़बड़। अब यहाँ पे भाई गड़बड़ ये हो गई कि जावास्क्रिप्ट में ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फुल सपोर्ट पहले नहीं थी, वो अब जाके इन्होंने दिए ES6 में, ठीक है, जो जो क्लास का कीवर्ड होता है और जो कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट और पब्लिक ये जो मन जाने ना, ये कस्टम डेटा टाइप होता है, सही है। तो इसकी सपोर्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं दी इन्होंने। अच्छा क्यों नहीं दी? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो बनाने वाले लोग थे और जो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी थी, पहली बात तो जावास्क्रिप्ट जब बनी थी ना शुरू में, जब थी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है कि भाई यही काम होगा, इससे और कुछ नहीं होगा। जैसे एक्सेल के अंदर एक अपनी उसकी लैंग्वेज है कि भाई इक्वल टू लगाओ सम होता है तो सम हो जाता है। भाई सम तो जावास्क्रिप्ट में भी होता है, सम वहाँ भी होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वेब एप्लीकेशन बन जाती है, वो एक्सेल पर नहीं बनती। तो एक्सेल के अंदर जो एक लैंग्वेज चल रही है ना, दैट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैंने शायद आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये स्मार्ट होम भी दिखाया होगा इसका, जो आईफोन में एक शॉर्टकट की ऐप होती है। शॉर्टकट की ऐप में क्या होता है जी, मैं उसमें छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ कि जी बैटरी परसेंटेज अगर मेरी जो ना 80% से ऊपर जाती है तो आप ये चीज़ कर दो, एक मैसेज सेंड कर दो, इस तरह के छोटे मोटे उसके अंदर स्क्रिप्टिंग हो जाती है, ठीक है। एंड्रॉयड में भी इस तरह की स्क्रिप्टिंग की ऐप्स मौजूद हैं कि जी अगर मेरी मिसाल के तौर पर मैं अपने घर के 500 मीटर के रेडियस में एंटर होता हूँ तो एक फला ईमेल कर दो, इस तरह की छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग हो जाती है शॉर्टकट ऐप के अंदर। मगर उस शॉर्टकट की ऐप के अंदर जो लैंग्वेज चल रही है वो कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसका इवन कोई नाम भी नहीं है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसका कोई नाम भी नहीं है। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट जब शुरू बनी थी ना, वो थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसको बनाया इसलिए गया था कि अच्छा जी वेबसाइट जो होती है स्टैटिक वेबसाइट, यानी वेब 1.0 की बात हो रही है, वेब 1.0 जब स्टैटिक वेबसाइट होती थी, वेबसाइट वेब क्लिक नहीं कर सकते थे किसी बटन पे, वो जस्ट दिखती थी आपको, आप देखते थे, दैट्स इट, लाइक कमेंट वॉमेंट, ये तो वेब 2 की कहानी है ना कि आप भी अपना इनपुट दोगे, तो वेब 2 में आया। तो उस वक्त इन्होंने ये बनाया जावास्क्रिप्ट कि जी वो आप किसी चीज़ को एनिमेट करा लो आप, या कोई छोटी मोटी लॉजिक लगा लो आप कि जी क्लिक करने पे ऐसे वो घूम के गिरे, एनिमेट करे, या जगमग तारा बन जाए वो ऐसी कर्सर ऊपर ले जाते ही। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना इन्होंने ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई थी कि जी छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग हो जाए, पेज के ऊपर कोई वीडियो ऐसे इधर से उधर करनी है, या मैं किसी बटन पे हाथ रखूँ तो वो थोड़ा बाहर उभर के आ जाए, इस तरह की जो एनिमेशन वगैरह। और शुरू में आप देखें jQuery की जो पूरी लाइब्रेरी है ना, jQuery पूरा एनिमेशन पे बेस कर रहा होता था एक ज़माने में, यानी जहाँ एनिमेशन का नाम आता था वहाँ jQuery का नाम आता था। jQuery क्या थी? वो एक लाइब्रेरी लिखी हुई थी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और वो पूरी एनिमेशन के ऊपर वो बेस कर रही होती थी। वेल, अब तो वो एनिमेशन उन्होंने हटा दी है सारी, जावास्क्रिप्ट अब कोई भी यूज़ नहीं करता एनिमेशन के लिए, अब CSS3 के अंदर ही एनिमेशन सारी अब डालते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करके वो पूरा बनाया हुआ उन्होंने, है ना, ट्रांजिशन है पता नहीं ट्रांसफॉर्म है क्या। तो वो तो मसला यहाँ पे हुआ। अच्छा यार स्टोरी बड़े गौर से सुनो, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही समझ नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत मुश्किल है बाकी लैंग्वेजेस के नस्बत, तो इसलिए ये स्टोरी समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या और क्यों ये यहाँ जो ये हो रहा है ना, ये नॉनसेंस जो हो रहा है इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये नॉनसेंस जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ना बोला नहीं यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह ये तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इधर कहाँ, इधर कौन ये इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग करेगा। लेकिन वक्त ने फिर ऐसा पलटा खाया कि जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गई, वेब का जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग इसलिए हो गया कि जी हर डिवाइस पर वेब खुलता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो गाड़ी का डैशबोर्ड हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे स्क्रीन मौजूद है वहाँ पे वेब चल जाता है। तो ये भाई बहुत फेमस हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट और ये एप्पल और ये खुद डर गए कि यार ये क्या हो गया। और तारीख गवाए कि एंड्रॉयड का जो फ़ोन था उसके अंदर उन्होंने जो ब्राउज़र्स को दबा के रखा बाकायदा, जो ब्राउज़र की जो स्पीड थी उसको स्लो डाउन करके रखा काफ़ी अरसे तक, इस चक्कर में कि ये कहीं हमारा प्ले स्टोर ख़तरे में ना पड़ जाए। भाई अगर वेब में सब कुछ चलने लग गया तो प्ले स्टोर पे ऐप कौन बना के डालेगा, वो तो वेब पे होगा फिर सारा काम। तो इन्होंने काफ़ी अरसे तक 4.4 एंड्रॉयड में जाके ना इन्होंने ये अपना सीधा किया मसला, वरना उससे पहले क्या था कि वो स्लो करके रखा हुआ था बिला वजह, कोई रीज़न नहीं था इसका। और ये एप्पल वालों ने भी किया था, इन्होंने ये सफारी का ब्राउज़र अंदर अलग था और जो वेब व्यू में खुलता था वो अलग था,
वो स्लो ब्राउज़र था, बिला वजह स्लो किया हुआ था, कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, और इधर माइक्रोसॉफ्ट जो था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेके वो कर रहा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर को जानबूझ के इन्होंने स्लो करके रखा था बड़े लंबे अरसे तक। तो क्यों, इनको ये लगता था शायद कि यार अगर सब कुछ वेब में चलने लग गया, जो अभी हो गया है, अभी हो गया है वो, आप इवन फोटोशॉप में यहाँ पे खोलता हूँ, फोटोपिया करके वेबसाइट है, वहाँ जाता हूँ, वो चलाता हूँ, इंस्टॉल कौन करेगा फोटोशॉप यार? वेब में जब काम हो रहा है, छोटा मोटा क्रॉप श्रॉप करना है मुझे, कौन इंस्टॉल करेगा फोटोशॉप? तो ये हो गया अल्टीमेट, उनका डर गलत नहीं था। उन्होंने बोला यार सब चीज़ें जब ये वेब में ही चल रही होगी तो ये हमारा ऐप कौन चलाएगा, एग्जी वाली जो है। अच्छा, अगर एग्जी वाली ऐप नहीं होगी तो फिर विंडोज़ में और मैक में और लिनक्स में फ़र्क क्या रहेगा? क्योंकि फोटोपिया तो लिनक्स में भी उसी तरह चलेगा और मैक में भी उसी तरह चलेगा, तो विंडोज़ का सेलिंग पॉइंट क्या रहेगा फिर? विंडोज़ का तो सेलिंग पॉइंट ये होता था ना शुरू में कि जी हमारी पता नहीं कितने मिलियन से ज़्यादा रियल लाइफ ऐप। अभी भी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो सरफेस निकाला था ना, टैबलेट सरफेस का, उसमें ये टैगलाइन यही चला रहे थे कि पता नहीं कितने मिलियन रियल ऐप एप्स, मतलब इसको ट्रोल कर रहे थे कि जी इसके तो ऐप्स ही नहीं है, और पता नहीं एक दूसरे को ट्रोल करते हैं आपको पता है। तो वो मतलब ये इनका बाकायदा सेलिंग पॉइंट था। तो बहरहाल अल्टीमेटली हुआ ये कि जावा स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गई, जावा स्क्रिप्ट को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो गया। इवन ये भी दिन आया कि जावा स्क्रिप्ट को सू कर दिया जावा वालों ने, कि जी उन्होंने बोला ये जो जावा स्क्रिप्ट आपने नाम रखा हुआ ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। जाहिर है जब चीज़ पॉपुलर होती है तो फिर लोग निकल निकल के आते हैं, तो इन्होंने फिर अपना नाम चेंज किया। इन्होंने कहा जी हम आज से जो है जावा स्क्रिप्ट नहीं है, हम हैं एक्मा स्क्रिप्ट, और एक्मा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन दी उन्होंने, सबको सब लोगों को साथ बिठाया कि जी आप इधर बैठो आगे, सबके फ़ायदे की बात है, सबसे थोड़ा थोड़ा कोड लिया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हर ब्राउज़र में अलग थी, थोड़ी थोड़ी नहीं अच्छी खासी अलग थी, अभी तो थोड़ी थोड़ी अभी भी अलग है, उस वक्त बहुत अच्छी सी बहुत ज़्यादा अलग थी। जैसे एक एक्टिव एक्स करके एक चीज़ होती है, वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलती है, किसी और में नहीं चलती है, ठीक है। इसी तरह कुछ कोड ऐसा है जो सिर्फ सफारी में चलता है, एप्पल के सफारी में, किसी और में नहीं चलता। तो जावा स्क्रिप्ट थोड़ी थोड़ी अभी भी अलग है, मेन चीज़ें जो जनरल चीज़ें वो सेम है, जैसे फॉर लूप, इफ एल्स, वेरिएबल बनाना, ये चीज़ें सेम है, ठीक है, वो भी एक्मा वालों की मेहरबानी की वजह से। अच्छा, तो अब ये हो गया मसला हल। तो उस पॉइंट पे ना इसमें ये ऑब्जेक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुए जो अभी हमने पढ़े थे थोड़े दिन पहले, जब जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे ना कुछ अरसे पहले तक, जो हमने आज भी वो लोकल स्टोरेज में सेव करवाते हुए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, तो वो ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, लेकिन दैट ऑब्जेक्ट वॉज नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नॉट अ ट्रू ऑब्जेक्ट। क्यों? जो ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, के जिस चीज़ को वो कह रहे हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन उन्होंने क्या बताई है कि जी वेरिएबल जो है ना वो ये नंबर स्ट्रिंग ये नहीं होगा, वेरिएबल आपको हम बताएंगे कि कैसा होगा, यानी डेवलपर बताएगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएगा कि ये वेरिएबल कैसा होगा। कस्टम वेरिएबल बनाने की आपके पास क्या होगी? कैपेबिलिटी होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो वाली कैपेबिलिटी देता है कि जी आप, अच्छा जी आपने कस्टम वेरिएबल आप बना लो, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड सपोर्ट करता है। और भी चीज़ें हैं लेकिन बेसिकली यही है सबसे। तो वो ट्रू ऑब्जेक्ट नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है। अच्छा, ट्रू ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? ट्रू ऑब्जेक्ट ये होगा कि हम ना बताएंगे पहले कि जी ये ऐसा ऐसा वेरिएबल होगा। अच्छा, वो बताएंगे कैसे? हम वो हम बताएंगे क्लास के कीवर्ड से, एक हम बनाएंगे क्लास। अच्छा, अब मैं इसको मिसाल देके समझाता हूँ, क्योंकि कोडिंग में चला गया ना समझ नहीं आएगा, पहले मिसाल से समझ लो, मिसाल से जब समझ आ जाएगा तो बोलोगे हाँ समझ में आ गया, फिर हम कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ना एक लाइब्रेरी की ऐप बना रहा हूँ, अब उसमें एक वेरिएबल बनेगा बुक, सही है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हम ये करते थे कि जी भाई मुझे डेटाबेस बनाना है, 200 बुकों का डेटाबेस बनाना है, अब वो मैं कैसे बनाऊंगा? एक एक करके बुक एंटर होगी, एक एक करके बुक एंटर होगी डेटाबेस में, मैंने फॉर्म बनाया उसमें लिखा बुक का नाम और ऑथर का नाम और उसका जॉनर, तीन चीज़ें लिख दी मैंने, ठीक है, बुक का नाम, ऑथर का नाम, उसका जॉनर, कि जी ये म्यूज़िक की बुक है या ये साइंस की बुक है या क्या है, वैसे तो और भी डिटेल होती लेकिन तीन ही। अब मैंने तीन बुक लिख दी, तीन आइटम लिख दिया, वो लिख के मैंने सबमिट किया, ये उठा और डेटाबेस में चला गया, सही है। अच्छा, कैसे किया ये? वो अलग अलग वेरिएबल के तहत। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वालों ने बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, आप बनाओगे एक वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो टाइप होगी ना वो होगी बुक,
अभी टाइप क्या होती है, नंबर स्ट्रिंग बुलियन? उन्होंने बोला नहीं, टाइप होगी उसकी बुक। अच्छा ये बुक टाइप का वेरिएबल कैसा होता है ये तो नहीं पता, बुक टाइप का कौन सा वेरिएबल होता है? तो बोलता है पहले टाइप हम खुद से बनाएंगे। अच्छा बुक टाइप का वेरिएबल कैसा होगा जी? बुक डॉट नेम, बुक डॉट ऑथर और बुक डॉट जॉनरे, ऐसे करके होगा। और इसमें कोई चौथी चीज़ नहीं आ सकती, चौथी चीज़ अगर डाली तो एरर हो जाना चाहिए। और इन दोनों तीनों में से हम कहेंगे कि अच्छा जी ये पब्लिक है ये प्राइवेट है। अच्छा फिर ये बात समझ आ गई कि तीन होगा उसके अंदर? नहीं अभी बनता कैसे वो नहीं बता रहा मैं, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि होगा क्या। वो जो टाइप है ना, जैसे नंबर की टाइप हमने बनाई है, हमने नहीं बनाई, वो पहले से बनी हुई है। हम टाइप बनाएंगे इसके अंदर, हम बोलेंगे अच्छा जी ये नंबर एक वेरिएबल जो होगा ना, नंबर नहीं होगा, वो होगा बुक, उसकी टाइप होगी बुक, उसकी टाइप होगी बुक। अच्छा फिर बुक के अंदर जो है ना और भी चीज़ें हो सकती हैं, डेटाबेस जो मैंने मेंटेन किया 200 बुक्स का, उसमें देखो नाम ऑथर नेम और जॉनरे तो हो गया। अच्छा वो बुक इस वक्त मौजूद है यहाँ पे या नहीं है? वो बुक इस वक्त मेरे लाइब्रेरी में मौजूद है या गई हुई है? दो हो सकता है कि जी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, मतलब कि कोई अगर ले गया तो नॉट अवेलेबल, ठीक है, कोई अगर ले गया तो नॉट अवेलेबल। अच्छा अब उसके अंदर क्या होगा, वो तीन वैल्यूज़ होंगे और साथ में, अभी अगर हम बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के करेंगे तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, उस बुक की कोई ना कोई आईडी होगी, वो मुझे मिलेगी और मैं बोलूँगा ये बुक सेल हो गई है। सेल होने की सूरत में मैं क्या करूँगा, इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट मारूंगा, डेटाबेस में उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, उस बुक से मुतालिक जितने भी फंक्शन होंगे ना वो उस बुक की डेटा टाइप के अंदर ही होंगे, उस बुक से मुतालिक जितने भी। अब देखो एक फंक्शन है कि जी बुक सेल हो गई यानी कोई ले गया, एक और भी फंक्शन हो सकता है कि जी वो बुक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, बुक डिस्ट्रॉय होगी तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो मार्किंग कोई तो फंक्शन चलाना पड़ेगा। कोई अगर बुक पे क्लिक किया किसी ने और बुक को रिपोर्ट कर दिया किसी ने, तो उस रिपोर्ट करने में भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन तो बनेंगे, चार पांच इस तरह के फंक्शन तो बनेंगे ना चार पांच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वालों ने बोला कि जी आपका जो बुक का जो डेटा टाइप होगा ना वो उसके अंदर ही होगा, सब जितने भी फंक्शन पॉसिबल है ना बुक से रिलेटेड, जितने भी फंक्शन पॉसिबल हैं वो सब उस डेटा टाइप के अंदर होंगे। अच्छा और मैं क्या बोलूँगा, और मैं बोलूँगा अब मेरे पास एक वेरिएबल बना बुक, उसमें मैंने एक बुक डाला, फिर अब जैसे लेट ए इक्वल्स टू फाइव, ये नंबर वेरिएबल था ना कि लेट ए इक्वल्स टू फाइव कर दिया मैंने, अब मैं बोलूँगा कि जी लेट बुक और उसमें वेरिएबल ए उसका नाम होगा, कि जी ये बुक टाइप का वेरिएबल है। अब वो होगा कैसे अभी वो थोड़ी देर में देखते हैं। मैंने बुक टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक बुक डाली मैंने, उसमें एक बुक डाली मैंने, उसका तीनों नाम लिख दिया। अच्छा एक और वेरिएबल, एक और वेरिएबल, मैंने चार बुक बना दी इस तरह, चार वेरिएबल में चार बुक पड़ी हुई है, मुकम्मल बुक है चारी। बुक नंबर टू, बुक नंबर टू वो कोई ले गया, अच्छा तो उस पर क्या करूँगा मैं कि उसके अंदर ही उसके फंक्शन होगा उस वेरिएबल के। अच्छा तो बुक का जो वेरिएबल का नाम है डॉट नेम करके मुझे बुक का नाम मिलता है, वेरिएबल का नाम डॉट जॉनरे करके मुझे जॉनरे मिलता है, वेरिएबल का नाम और डॉट ऑथर करके मुझे ऑथर मिलता है। अब वेरिएबल का नाम डॉट करके ना मुझे मिलेगा कि जी सोल्ड, वेरिएबल का नाम करके मुझे डॉट मिलेगा सोल्ड, सोल्ड एक फंक्शन होगा जिसको मैं कॉल करूँगा, मैं कहूँगा बुक ए डॉट सोल्ड। अब वो फंक्शन के अंदर जो है ना जो भी कार्रवाई होगी ना कि जी डेटाबेस में अपडेट कर दोगे ये सोल्ड होगा या एक्स वाइज जो भी करना होता है मुझे, वो मैं उस फंक्शन के अंदर करूँगा। अच्छा इसी तरह से वो एक उसमें डॉट करके एक फंक्शन हो सकता है कि जी बुक रिपोर्ट कर दी है किसी ने, वेबसाइट पे रिपोर्ट का बटन दबाएगी जी बुक ऑफेंसिव है, तो उस मैं कहूँगा बुक ए डॉट रिपोर्ट एक फंक्शन होगा, उसको मैं कॉल सिग्नेचर लगा के कॉल करूँगा। अच्छा और हर ये फंक्शन जो है ना, ये जितने भी फंक्शन हैं उस बुक से रिलेटेड, जब इन फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो ये फंक्शन क्या करेंगे, ये उसी वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे, ये किसी और वेरिएबल को नहीं करेंगे, यानी जिस वेरिएबल पर डॉट लगा के करूँगा उसी को मॉडिफाई करेंगे, सही है। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर ये काम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम कोड को लिखने का एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। पैराडियम कहते हैं अंदाज को, तो कोड को लिखने का एक अंदाज़ है।
फंक्शनल पैराडिगम अभी तक हम लिखते रहे हैं, वो आपको पता है कैसे होगा, आप जब अभी जब सोचेंगे ना, अभी राइट नाउ जब आप सोच रहे हैं वो फंक्शनल अंदाज में सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पता ही नहीं था। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, चीज़ को अचीव करने का थोड़ा सा लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा, और जो भी लैंग्वेज ये क्लेम करती है कि जी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करेगी, वो ये सारे, अब ये काम कैसे होगा, अब एक टाइप कैसे बनाएंगे हम, टाइप के अंदर वो फंक्शन अंदर उसके कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे बताएगी। अच्छा, तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि जब ES6 के आने से पहले ये चीज़ें जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थी, तो जावास्क्रिप्ट में था एक अदद जुगाड़, जिसको हम कहते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ही ना घुमा घुमा के जुगाड़ करके ना इस चीज़ को अचीव करते थे, ठीक है। तो अच्छा, उस वक्त भी जावास्क्रिप्ट वाले बोलते थे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जुगाड़ में हो जाता था वो काम, तो सपोर्ट था। लेकिन ES6 के आने के बाद इसको बाकायदा सपोर्ट दी गई है, और एक क्लास का कीवर्ड होता है जो टाइप बनाने के काम आता है, जो तकरीबन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना अभी इस वक्त जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो मौजूद है, पहले से ही मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आपका सी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज तो सी प्लस प्लस यानी कि सी का जो लेटेस्ट वर्जन है सी लैंग्वेज का, उसमें मौजूद है क्लास का कीवर्ड। सी शार्प है, स्विफ्ट है, कॉटलिन है, डार्ट है ना जो उसमें इस्तेमाल होती है, तो इन सब में ना ये मौजूद है। अच्छा, इसका जो मुंह आप देख लें ज़रा, ये कैसा है, ये क्या हुआ, अच्छा ये इन थ्योरी ये बात समझ आ गई कि ये क्या हुआ है, इन थ्योरी ये जो बात मैंने बताई है ये सारी बात आपको समझ आ गई कि ये क्या बात हुई है। अच्छा, अब जुगाड़ वाला तरीका जो है ना इसका, वो ज़रा बुक में दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बुक ये लिखी गई है ES5 के ज़माने में ना, तो बुक में जो तरीका मौजूद है वो ES6 वाला क्लास वाला तरीका नहीं है, वो जुगाड़ वाला तरीका है, ठीक है। अच्छा, वो क्या है तरीका, आ जाओ देख लेते हैं। ये है वो तरीका, कहता है यार एक फंक्शन होगा, आप उस फंक्शन में सारे पैरामीटर्स लो और वो सारे पैरामीटर लेके ना आखिर में एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दो, दैट्स इट। ये जुगाड़ वाला तरीका सही है, कह रहा है एक फंक्शन लो, सारे उसमें जो यानी उस डेटा टाइप में, यानी बुक वाली जो मैं टाइप बता रहा हूँ मैं, उस टाइप में जो जो होगी ना प्रॉपर्टी, यानी तीन मेरे केस में तीन प्रॉपर्टीज है, वो तीनों यहाँ डालो और एक ऑब्जेक्ट तीनों का बनाकर रिटर्न कर दो, दैट्स इट। कह रहा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लिखने का अंदाज ही है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट ही बनाना है ना अल्टीमेटली, तीन को इकट्ठा करना है ना, तीन प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करना है, तो ये कर दिया, हो गया, एक फंक्शन लिया, तीन उसमें पैरामीटर लिए और एज अ रिटर्न वैल्यू उस तीनों का एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया, हो गया, बात ख़त्म हो गई, सही है। और ऐसे करके उसका नया वेरिएबल बना रहे हैं ये न्यू करके, सही है। अच्छा, न्यू का कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्पेसिफिक है उसके बगैर, मतलब अच्छा इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, होपफुली आप लोगों ने ये पार्ट पढ़ लिया है, ये वाला चैप्टर आपने रीड कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो ये तीन अलग अलग वेरिएबल बना दिए इसने, आप इमेजिन करो कि न्यू, बुक और ऑथर का नाम, जॉनरे और उसके जो भी बुक का नाम, ये तीनों चीज़ ली और ये बन गया एक नया वेरिएबल और वो इधर आके सेव हो गया। अब इस प्लान के ऊपर डॉट करके मैं नेम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, सही है। तो ये जुगाड़ वाला तरीका हो गया। अच्छा, अब जो इसका प्रॉपर तरीका है ना वो है क्लास वाला तरीका, उसके लिए जो है ना एक बुक मैंने आपको भेजी थी, वो बुक मैं देखता हूँ होपफुली अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास अभी हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट हैं, हमारे पास 15 मिनट हैं बल्कि, होपफुली 15 मिनट में हो जाएगा ये काम हमारा। किधर गया ये, रिसीव हो गया, ये आ गया जी। अच्छा जी, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है ना जनाब, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है,
अरे क्या हो गया इसको, चैप्टर नंबर 9। अब ये थोड़ा सा ना हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि ऊपर की बात इसने क्या लिखी हुई। अच्छा, बात वही लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ज़रा वो बुक में भी एक राइटर की भी एक बात होती है ना, एक अंदाज होता है। अनलाइक मोस्ट फॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट डिडंट सपोर्ट क्लास एंड क्लासिकल इनहेरिटेंस एज द प्राइमरी वे ऑफ डिफाइनिंग सिमिलर एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट वाज क्रिएटेड। जावास्क्रिप्ट जब बनी थी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह इसमें कुछ भी नहीं था, सही है। दिस लेफ्ट मैनी डिवेलपर्स कन्फ्यूज्ड फ्रॉम द प्री एक्मास्क्रिप्ट 1-5। कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सारे डेवलपर को ना कन्फ्यूज़ कर दिया इसने, कौन से वाले इरा में एक्मास्क्रिप्ट 1 से लेके एक्मास्क्रिप्ट 5 तक के, फिर 6 में जाके ये जो हुआ है वो भी बताने लगा है। मैनी लाइब्रेरीज क्रिएटेड लुक लाइक जावास्क्रिप्ट सपोर्ट क्लासेस। अब कह रहा है बहुत सारी लाइब्रेरी भी लोगों ने बनाई, वो मतलब कंस्ट्रक्ट बनाने की कोशिश की, वो क्लास टाइप की चीज़ ताकि उससे अचीव हो जाए, बहुत सारे लोगों ने जुगाड़े निकाली, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। ऑल्दो सम जावास्क्रिप्ट डेवलपर फील स्ट्रांगली दैट द लैंग्वेज डजंट नीड क्लासेस। ठीक है, कि कुछ डेवलपर को लगता है कि ये नहीं चाहिए भाई, क्लासेस क्लासेस का क्या करना है, ये वैसे भी चल रहा है काम। द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज लेड टू द इंक्लूजन ऑफ क्लास इन ECMAScript 6। अब वो कह रहा है वो इतनी सारी लोगों ने लाइब्रेरी जब लिखी भी देखी ना, तो ECMA ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि जी आप दे देते हैं सपोर्ट, यार कौन सा मसला है बड़ा, जो डेवलपर जिनको यूज़ करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया ECMAScript 6 में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये ना थोड़ा पुराना वाला तरीका बता रहा है कि जी पुराने तरीके में क्या होता था, ये फंक्शन होता था, उसमें इनपुट लिया और वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये हम पुराना नहीं, हम डायरेक्ट वो क्लास वाले पे चलते हैं। क्लास डेक्लेरेशन, क्लास डेक्लेरेशन जो है ना वो असल में टाइप बना रहे होते हैं आप, जो टाइप नंबर है वो पहले से बना हुआ है, ये टाइप हम बना रहे हैं, ये टाइप कौन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बात की यहाँ पे, द सिंपलेस्ट क्लास फॉर्म फ्रॉम ECMAScript 6 इज द क्लास डेक्लेरेशन विच लुक्स सिमिलर टू क्लासेज इन अदर लैंग्वेज। ठीक है, वो सिंटैक्स को सेम कर दिया, सिंटैक्स सिंटैटिक शुगर जो था उसको कायम रखते हुए सिंटैक्स को सेम कर दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि जी एक जो क्लास होगी ना, सिंपल सी और सादा सी क्लास होगी, वो क्या होगी, क्लास का कीवर्ड होगा, उसके बाद क्लास का नाम होगा। अच्छा जी, क्लास के नाम के लिए ये बात ज़रूरी है कि क्लास के नाम का जो पहला कैरेक्टर है ये कैपिटल हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, सब लैंग्वेजेस में इस तरह होता है, इसमें भी है। ठीक है, इवन दो कि किसी वेरिएबल, किसी नॉर्मल वेरिएबल का जो नाम है ना वो आप कैपिटल नहीं रखते फर्स्ट, ये गलत प्रैक्टिस है, सही है। तो ये एक एक, एक आप कह लें कि कन्वेंशन है कि जिस वेरिएबल का भी पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा ना, तो आप ये समझ जाते हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये टाइप है। ये क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये टाइप है, ये क्लास है। इस जैसे नंबर है ना, नंबर वेरिएबल नहीं है, नंबर उसकी टाइप है। वेरिएबल तो वेरिएबल है, उसमें 5 रखा हुआ है, लेकिन उसकी टाइप नंबर है, वो कैपिटल एन से नंबर है। ठीक है, वो कैपिटल एस से स्ट्रिंग है, टाइप है। तो ये जो पर्सन क्लास है ना, ये टाइप है, ये वेरिएबल नहीं है। अभी इससे वेरिएबल बनेगा, ये टाइप बन रही है अभी। डेटा टाइप है, यस डेटा टाइप। अच्छा जी, तो क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम यानी डेटा टाइप का नाम, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट नीचे जाके क्लोज हो रही है यहाँ पर, सही है जी। आ जाते हैं हम और इसको ना कॉपी करके क्या करते हैं हम, भला अपनी बुक का डेटा टाइप बना लेते हैं। कहाँ गया मेरा कोड, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत थोड़ी हो रही, क्या हो गया। कहाँ गया मेरा कोड, कहाँ गया कोड को मैं ले आता हूँ दरमियान में। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल वो बना लेता हूँ, नया सॉरी ट्रेलो वाला, कंप्लीट तो नहीं हुआ बट लेकिन जितना मैंने पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा दिया। हाँ, वेरिएबल गेट करके वो आ गया। आप तो थे ना क्लास में नमाज से पहले, थे ना आप या नहीं आए थे आप? अच्छा तो मैंने कहा कि जी 30 ES6 क्लास, ठीक है, ES6 क्लास के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। मैंने कहा जी कि इंडेक्स .html और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी,
एक एच वन लगा देता हूँ, ई एस सिक्स क्लास, ई एस सिक्स क्लास ही रहने देता है। स्क्रिप्ट का टैग लगाया और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी पहली क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ, अपना पहला कस्टम डेटा टाइप बनाने जा रहा हूँ। नहीं चलेगा, टाइप मॉड्यूल के बगैर भी चलेगा, ठीक है। टाइप मॉड्यूल में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, थोड़ा सिक्योरिटी वाला चक्कर है टाइप मॉड्यूल में। वेल अभी मैं इसको बगैर टाइप मॉड्यूल के ही चलाता हूँ, चल जाएगा, ये मसला नहीं है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, क्लास लिखूँगा, स्पेस, मेरी टाइप का नाम क्या है, बुक नाम है, तो मैं करूँगा बुक, ठीक है। और उसके बाद मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब इसमें मुझे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ये इक्वेलेंट टू कह रहा है कि वो पर्सन टाइप है इक्वेलेंट, लेकिन वो इक्वेलेंट हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमने वो जुगाड़ वाला पढ़ा ही नहीं है, हमने इस क्लास में वो जुगाड़ वाला तरीका ही नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये किस चीज़ के इक्वेलेंट है उस जुगाड़ में हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, वो ऐसे करके चल रहा होगा। कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर एक फिक्स कीवर्ड है आप कह लें उसको। अच्छा अब देखिए ये एक नॉर्मल फंक्शन से ना मुख्तलिफ है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे होता है ना नॉर्मल फंक्शन, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये ऐसे है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, अभी थोड़ी देर में हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है, अभी बस उसको समझें कंस्ट्रक्टर है ये। अच्छा कंस्ट्रक्टर में मैंने एक कंसोल लगा दिया, ठीक है, दिस टाइप इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लगा दिया वेरिएबल, एक कंसोल लगा दिया इस कंस्ट्रक्टर में, होता ये फंक्शन ही है एक्चुअली, अंडर द हुड ये फंक्शन ही होता है। जब ये फंक्शन चलेगा ना तो ये कंसोल आ जाएगा, जब ये फंक्शन चलेगा तो ये कंसोल यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। अच्छा अब ये फंक्शन कब चलेगा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा वापस आते हैं बुक में, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार इसमें क्या होगा कि जो है ना, अच्छा हमें तीन वो भी लेना है, तीन हमारे बुक के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी। अच्छा ये ना इसको इस तरह नहीं देखते, जैसे हम कह रहे थे ना कि एक हमारे जो बुक होगा उसके अंदर तीन चीज़, उसको ये कहते हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे एक ह्यूमन का एक वेरिएबल बनेगा अगर, तो ह्यूमन का वेरिएबल क्या होगा, उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका हाइट होगी, उसकी मतलब ह्यूमन का तो नहीं बनेगा एक्चुअली, यूज़र का बनेगा। हमारी वेबसाइट में सारे यूज़र तो साइन अप होता ही है ना, तो एक यूज़र का एक डेटा टाइप होगा। मिसाल के तौर पे फेसबुक वाला जो यूज़र साइन अप करता है वो लेता है बंदे का नेम, ईमेल, एज, ये लेता है। लेकिन एक स्कूल, जो स्कूल की ऐप में जो एक यूज़र साइन अप होता है उसमें वो क्या लेता है, उसका ग्रेड क्या है कि पाँचवीं क्लास में पढ़ता है, वो नाम वगैरह तो लेगा, वो ईमेल लेगा साथ में, पेरेंट का फ़ोन नंबर लेगा साथ में, वो यूज़र के अंदर होगा, है ना, कि जी यूज़र की टाइप में कि पेरेंट का फ़ोन नंबर, पेरेंट नंबर, वो फेसबुक नहीं लेता वो, ठीक है। तो इस तरह वो स्कूल की ऐप में जो एक यूज़र बनेगा ना वो एंटायरली डिफरेंट होगा फेसबुक के यूज़र से। तो एक पूरा डेटा टाइप बनेगा उस यूज़र के लिए कि स्कूल में जो बच्चा जो अभी साइन अप हो रहा है, एंटर हो रहा है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ना तीन चीज़ें लेनी है, क्या है भाई, बुक का नेम कॉमा, और क्या लिखा था हमने, तीन चीज़ें ना, ऑथर कॉमा, जॉनरे की स्पेलिंग क्या होती है, जी एन आर ई होती है, सही है, ठीक है। ये तीन मेरे जो है ना इस डेटा टाइप के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी मेरी, इसको ही कहते हैं प्रॉपर्टीज़। अच्छा इन प्रॉपर्टीज़ का मैंने करना क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ का मैंने कहना है कि दिस डॉट नेम करो इक्वल्स टू करके ना उस पर ये नेम डाल दो, ठीक है। हाँ ये दिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अभी ये दिस हम थोड़ी देर में उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि क्या है, ऑथर और ये जॉनर, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी, हाँ सही, दिस डॉट ऑथर होगा ना ये तो, सही है, ये हो गया।
अभी हम इस पे आते हैं। अभी इसको ना थोड़ा बिग पिक्चर में समझें आप। अभी इसको बिग पिक्चर में आपने ये समझना है कि ये क्या बनने जा रही है। ये एक कस्टम डेटा टाइप मैं बना रहा हूँ। अभी इस कस्टम डेटा टाइप में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं लिखता जा रहा हूँ। अभी मैं एक एक लाइन को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। सही है, पहले ज़रा मेरी डेटा टाइप एक कंप्लीट हो जाए, छोटी सी जो डेटा टाइप है। अच्छा, नेम डिक्लेयर कहाँ करवाया है? अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये मेरी भाई डेटा टाइप हो गई कंप्लीट। जो मेरी अभी तक की जो डेटा टाइप थी वो कंप्लीट हो गई। अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा मैं ऑब्वियसली। अब जैसे नंबर होता था ना, मैंने कहा था लेट ए इक्वल्स टू 5। अब ये वाला तो बना है बाई डिफ़ॉल्ट नंबर, ठीक है। देखो कैपिटल एन से मैंने नंबर लिखा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो कैपिटल एन से लिखा है, इस वेरिएबल ए की जो टाइप है वो कैपिटल एन वाली नंबर है, ठीक है। देखो इस पर जब मैं हाथ रखता हूँ तो ये बताता भी है कि लेट ए जो है ना उसकी टाइप नंबर है, ठीक है। स्मॉल से बता रहा है वेल, लेकिन है कैपिटल से। अच्छा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ कौन सी टाइप का? अब मैं बनाने जा रहा हूँ इस बुक टाइप का एक वेरिएबल। मैं कैसे बनाऊँगा? मैं कहूँगा कि लेट बी मिसाल के तौर पर इक्वल्स टू न्यू बुक। ये बना है मेरी बुक टाइप का वेरिएबल। अच्छा, बुक टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर ना तीन चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं ये तीनों चीज़ें कहाँ पे दूंगा? मैं तीनों चीज़ें यहाँ पे दूंगा। नेम मैंने लिख दिया कि यार माई बुक, यार बल्कि वो रियल बुक का नाम लिख देते हैं। हाँ सही है, एक रियल बुक का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। ऑथर इसका जो होगा कोई जे के रोलेक्स, थोड़ा इज्जत दे देते हैं इसको कैपिटल करके। चलो बस हो गया यार, यही है रोलिन है। अच्छा ये लो रोलिन है, आर ओ डबल एल है रोल। अच्छा पता नहीं है तो एस में बोल रहा है, स्पेलिंग ही गलत है इसकी, इसने गलत नाम रख। अच्छा सही है, फिक्शनल फिक्शन की बुक है। आर ओ क्या है? डबल एल आर ओ डब्लू एल आई एन रोलिन, जी और एच भी है। सही है यार, नाम तो बड़ा इसने सही रखा है, रॉलिंग्स। पूरा मुंह गोल घुमाना पड़ रहा है नाम इसका बोलने के लिए। हाँ हैरी में ए आएगा, ये लो भाई हैरी पॉटर, इसीलिए लगाया मैंने ये एक्सटेंशन। स्पेलिंग बड़ा भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना अगर प्रोग्राम करते हुए, और आप सोचो पूरे कोड में स्पेलिंग गलत है, तो बस फिर वो सही नहीं कर सकते आप उसको। इसलिए मैंने वो एक्सटेंशन डाला हुआ है। वेल अब देखो ये क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पागलपन है। सीधा सीधा बनता था वेरिएबल, इन्होंने बोला ऐसे बनाओ। ठीक है, अब जो मेरा ये वेरिएबल बना है ना, देखो बी पे मैं हाथ रखूंगा ना, ये क्या बता रहा है? ये बुक टाइप है, ये मैंने खुद की टाइप बनाई है अपनी। ये मैंने क्या किया, मैंने खुद की अपनी टाइप बनाई है। ये इतनी बात समझ आई? अब ये somehow अभी क्या हुआ ये आपको समझ आना ज़रूरी नहीं है अभी राइट नाउ इस पॉइंट पे ना। ये किया क्या है मैंने, ये समझ आना ज़रूरी नहीं है। समझ आना ये ज़रूरी है कि भाई ये बी पे जब मैं हाथ रखता हूँ ना, इसकी टाइप बुक है। इस ए पे जब मैं हाथ रखता हूँ, इसकी टाइप नंबर है। तो ये हमने अपनी टाइप बना ली है somehow। है ये वही ऑब्जेक्ट जो हम पहले बनाते थे। है ये वही ऑब्जेक्ट। अगर मैं मतलब लेट सी करके अगर मैं ऐसे कर दूँ ना यूँ, और मैं नेम इक्वल्स टू ऐसे लगा दूं और कॉमा डाल के जो है ना वो जो भी मेरा जॉनरे था और उसको ऐसे करके यूँ लगा दूं, एक ही बात है, फ़र्क नहीं है कोई। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है ना, जो वो ये है जो हमने अब लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जो है वो ये है। अच्छा, जो हम पहले जो बनाते थे ना, जो ये वाला जो आइटम है, ये ऑब्जेक्ट नहीं था असल में, ये था डिक्शनरी। असल में अगर इसको सही मानों में कहा जाए ना, तो ये डिक्शनरी है, की वैल्यू का पेयर है। जी
हाँ कौन से का हिस्सा? ये वाला जो पार्ट है। अच्छा देखो अब होता क्या है, अब चलो कंस्ट्रक्टर अगर इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मैं समझा देता हूँ, सही है, थोड़ी देर में मैंने आना था इस पे। बहरहाल देखो क्या होगा कि जब मैं बोलूँगा ना न्यू, अच्छा नॉर्मल जो डेटा टाइप है ना जैसे नंबर है, अब मुझे यहाँ पे ये नहीं बोलना पड़ रहा कि भाई ए इक्वल्स टू न्यू फाइव, ये नहीं बोलना पड़ रहा मुझे क्योंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, ठीक है, इसको मुझे बताना नहीं पड़ता, ये न्यू मुझे बताना है इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने बनाई है ये। अब जब तक मैं न्यू लगाऊंगा नहीं ना, इसको समझ नहीं आएगा कि ये बुक है क्या, वो इस बुक को समझेगा फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन तो नहीं है ये। देखो फंक्शन में भी कॉल सिग्नेचर है, इसमें भी कॉल सिग्नेचर है, तो फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क है ये न्यू। अब न्यू लगा के मैं बताता हूँ कि यार मैं क्या बनाने लगा हूँ, इस न्यू के आगे मेरी बनाई हुई डेटा टाइप मैं लिखूँगा, वो प्रोग्रामिंग को मैं बता रहा हूँ कि जी न्यू का मतलब है मैं अपनी बनाई हुई डेटा टाइप लिखूँगा और वो मैंने लिख दिया यहाँ बुक। अच्छा जब बुक मैं लिखूँगा तो बुक को ना मैं कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू उठ के मिलेगी इस कंस्ट्रक्टर को एज इट इज सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पास की उसी सीक्वेंस से यहाँ पे इसको मिलेगी, ठीक है, नेम मिला, ऑथर मिला, जॉनरे मिला, ठीक है, ये जब ये चलेगा ना ये वाला कोड तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा एक दफ़ा असल में। कंस्ट्रक्टर का मतलब है बनाने वाला। कितने बजे, कितने मिनट पे? पूरे नौ पे, पूरे नौ पे, सही है भाई। ये कंस्ट्रक्टर नाम ही है कि कंस्ट्रक्टर मतलब बनाने वाला, ये वेरिएबल को बनाएगा असल में। अच्छा कंस्ट्रक्टर को मिला नेम, ऑथर और जॉनरे, ये डिक्लेयर, ये कंस्ट्रक्टर ही असल में डिक्लेरेशन है। ये इस पूरी चीज को इसने क्या बोला है, इसने बोला है भाई ये है डेटा टाइप डिक्लेरेशन है ये, अभी 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 एक एक करके अभी आप समझ लो क्या होगा। पहली चीज़ यहाँ मिल गई, दूसरी यहाँ मिल गई, तीसरी यहाँ मिल गई। अब इसके अंदर जो है ना, मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम जो है ना उसमें ये नेम डाल दो जो बंदे ने अभी दिया है मुझे। दिस डॉट नेम का मतलब क्या है, इस डेटा टाइप में डॉट करके जो नेम है वो डाल दो। अब होगा क्या, ये तीनों जब चल के ख़त्म हो जाएगा ना तो इस डेटा टाइप में यानी बुक में, इसका मतलब है बी डॉट करूँगा मैं नेम तो मुझे नेम मिलेगा, बी डॉट करूँगा ऑथर तो मुझे ऑथर मिलेगा, और बी डॉट करूँगा मैं जॉनरे तो मुझे जॉनरे मिलेगा। बात वही है जो पहले हम कर रहे थे, अभी तक जो हमने किया ना वो पुराने वाले से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं किया, काम वही किया हमने। अब अगर मैं यहाँ पे बी डॉट करूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग और मैं कहूँगा कि जी बी डॉट और नेम, देखो मुझे नेम मिल भी उसी तरह रहा है, एंटर, तो मुझे बी डॉट नेम में ये हैरी पॉटर मिल जाएगा। ये बी जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ये अब बना है ये ऑब्जेक्ट, पहले जो है वो ऑब्जेक्ट नाम तो ऑब्जेक्ट ही था पहले भी, लेकिन वो असल में डिक्शनरी था। ऑब्जेक्ट ये अब बना है, ऑब्जेक्ट क्यों अब बना है, क्योंकि अब इसकी ये खुद की एक डेटा टाइप का इंस्टेंस है ये, ठीक है। तो इस बी पे डॉट लगाऊंगा नेम तो हैरी पॉटर, बी पे डॉट नेम लगाऊंगा तो जे के रॉलिन, और बी पे डॉट जॉनरे लगाऊंगा तो ये फिक्शन, ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, वही ऑब्जेक्ट, वही पुराना ऑब्जेक्ट अब एक नए नाम से, ES6 के शशके के साथ वो हमने बनाना सीखा, सही है। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि उस वाले ऑब्जेक्ट में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वाले ऑब्जेक्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें नहीं हो सकती थी, बहुत जुगाड़ें करनी पड़ती थी जब जाके होती थी, इसमें वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, ठीक है। अच्छा बुक में अब थोड़ा सा, जी ज़रा ज़ोर से बोलना होगा बच्चों, यार ज़रा खामोशी करो, दोस्त आपके सवाल पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें दोस्त ने सवाल पूछा है कि क्या इतना जो पार्ट लिखा हुआ है ये टाइप है, कम्प्लीटली टाइप की डिक्लेरेशन है। जी हाँ ऐसा ही है, इतना कोड जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना इस वक्त, इतना कोड जब चलेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, एक टाइप रजिस्टर हो जाएगी, है ना, कुछ भी चलेगा नहीं इतने कोड से। ये वो प्लान है,
ये क्या है, ये वो प्लान है कि जब बुक टाइप का वेरिएबल बने तो वो कैसा हो, ये एक प्लान है, सही है, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं उसको, आमतौर पर ब्लूप्रिंट की मिसाल देते हैं। तो ये एक प्लान है कि भाई ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है कुछ, जब मैं ये वाला काम करूँगा ना, लाइन नंबर 29 वाला, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये इसका एक इंस्टेंस नया तैयार होगा, ठीक है। अभी तो वो आगे की कहानी है, अभी वो आगे की यार, वो मे भी उतना टाइम मिले या ना मिले, आई एम नॉट श्योर। अच्छा अब जरा आगे देखते हैं कि क्या है भाई। हाँ नहीं नहीं ये तो मैंने एक सिर्फ ये एक टॉपिक इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। असल में देखो इस बुक का जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो आप लोग नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वाला चैप्टर आप सब लोग पूरा पढ़ें, चैप्टर नंबर 9 जो है ना ये आप सब लोग पूरा पढ़ें, बावजूद इसके कि इस बुक का टारगेट ऑडियंस आप लोग नहीं है। इस बुक का टारगेट ऑडियंस वो बंदा है जो ES5 पे 4-5 साल से काम कर रहा है और अब वो ES6 सीखना चाह रहा है, ये वो बंदा इसका टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि ये हर चीज़ की मिसाल देता है ES5 से, कहता है ES5 में ये इस तरह होता था, ES6 में ये, अब आपको ES5 में ही नहीं पता होगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ES5 की मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ाई है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ES5 की जो होती हैं वो अब नहीं यूज़ होती, पुरानी हो गई, वो मैंने पढ़ाई नहीं है, मैंने डायरेक्ट ES6 वाली चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये बुक आप, दिस बुक इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, दिस बुक इज़ नॉट फ्रॉम स्क्रैच, ये बुक बोलती है आपको ES5 पूरी आती है, अब आप ES6 सीखो हमसे आगे, है ना। इसने रिजेम्बलेंस दिए हर जगह पे कि भाई फला चीज़ की तरह ये। अच्छा यार मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और असल में अभी मैं मज़ीद पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गया है, आज के लिए थ्योरी हमने काफ़ी कर ली है, और ये थ्योरी ही अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर पाएँ, तो आई वुड से कि आज का दिन हक लग गया, ठीक है। तो ये वाली बुक आप सब लोगों को मिल चुकी है, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी, चैप्टर नंबर 9 है इसका, ये क्लास वाला चैप्टर नंबर 9, कोशिश कीजिएगा थोड़ा पढ़कर आ जाएं आप नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ कोड जो उसको हैंड्स ऑन करके आ जाएं, ताकि हम इस बुक से भी आगे की बात फिर कर सकें इस क्लास में, ठीक है जी। चलो अल्लाह हाफिज़।